यार आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। चलिए जानते हैं 29 अप्रैल को क्या होने वाला है और एस्टेरॉयड बनते कैसे हैं। हम सब एस्टेरॉयड, मीटियोर्स, कॉमेट्स को अच्छे से जानते हैं। यह वह ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो स्पेस, यूनिवर्स और इस मल्टीवर्स में ट्रैवल करते हैं। ऐसा ही एक एस्टेरॉयड 1998 अप्रैल को अर्थ के पास से गुजरने वाला है। यह पोटेंशियली हजार्डस है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी बहुत ही कम संभावना है अर्थ को नुकसान पहुँचाने की, या फिर कहें जिससे कुछ सैटेलाइट्स में प्रॉब्लम आ सकती है। इस एस्टेरॉयड की साइज माउंट एवरेस्ट की हाफ के बराबर है, जो कि 4.1 किलोमीटर है। यदि यह एस्टेरॉयड गलती से भी अर्थ से टकरा जाता तो यह पृथ्वी का लगभग पूरा जीवन ही समाप्त कर देता, और अंत में बचा हुआ जीवन इसके टकराने के कारण उड़े हुए मलबे से पूरे आसमान में अंधकार छा जाता और सूर्य की एक भी किरण पृथ्वी तक नहीं पहुँचती। इसके कारण जो जीवन बचा हुआ था वह भी समाप्त हो जाता। चलिए जानते हैं कि एस्टेरॉयड्स आखिर बनते कैसे हैं। हमारे इस ब्रह्मांड में हाइड्रोजन गैस के क्लाउड्स कई जगह पाए जाते हैं। जब यह क्लाउड्स इकट्ठे हो जाते हैं और इतने डेंस हो जाते हैं कि यहाँ की ग्रेविटी और टेम्परेचर काफ़ी होते हैं थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज़न के लिए। इस प्रोसेस में दो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं, जिससे कि थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज़न होता है और इसमें बहुत सारी एनर्जी और हीट रिलीज होती है। इसके बाद बिखरे हुए मलबे से कई प्लैनेट्स बनते हैं। उसके साथ ही कुछ मलबा इन एस्टेरॉयड के फॉर्म में हमें दिखाई देता है। यही एस्टेरॉयड्स एक दूसरे के टकराने के कारण अपने ऑर्बिट से भटक जाते हैं, जिनमें वह रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और ऐसे ही कुछ एस्टेरॉयड्स प्लैनेट्स की तरफ आने लगते हैं। यदि भविष्य में ऐसा कोई एस्टेरॉयड हमारी तरफ आता भी है तो उससे बचने के लिए हमने कई तरीके ढूंढ लिए हैं। आज के समय में हमारे पास ऐसी कई मिसाइल्स हैं जिनसे हम इनसे बच सकते हैं, परंतु अगर एस्टेरॉयड ज़्यादा बड़े हों तो हम उनसे नहीं बच सकते। यदि हम मिसाइल से इन एस्टेरॉयड्स पर हमला भी करते हैं तो यह हमारी अर्थ के लिए कम घातक नहीं होगा। बाय द वे, हमें आज पर फोकस करना चाहिए। जो एस्टेरॉयड 29 अप्रैल को अर्थ के पास से गुजरने वाला है वह स्काई में देखा जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें बाइनोक्यूलर्स की ज़रूरत पड़ेगी या फिर स्काई बहुत ही क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस एस्टेरॉयड की डिस्टेंस मून और अर्थ की डिस्टेंस से 16 टाइम्स है, इसलिए यह बहुत ही छोटा दिखाई देगा। फिलहाल हमें 13 अप्रैल 2029 से पहले कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इस दिन एफोफिस नाम का एस्टेरॉयड हमारी अर्थ के पास से गुजरने वाला है, और 9942 एफोसिस के टकराने के चांसेस 2.7% हैं।